हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज बहुत खुशी का दिन है कि 10,000 का परिवार मेरा यूट्यूब में जुड़ चुका है। इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो खास आपके लिए लाई है। माइंड शार्प कर देगी, आज आपकी थिंकिंग पूरी चेंज कर देगी। जो पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, ना मिल रहा है, महीने हो गए, सालों हो गए, तो कैसे अब आप उसे कॉल मैसेज नहीं करोगे? आपके दिमाग में घुस के दिल की गहराइयों में जाके उसकी यादें चीर के निकाल दूंगा आज मैं। बस अपने 5 मिनट मुझे दे देना, जितने भी काम है सब छोड़ दो, डेफिनेटली सारे कामों को एक बार साइड में कर दो और स्टार्टिंग से लेके वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी माइंड की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके। कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरे को फॉलो वगैरह करना, डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। अब तक जो भी रिप्लाई वगैरह आते डेफिनेटली मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि टोटली लाइफ चेंज टुडे, आपका माइंड एकदम शार्प कर दूंगा, नई जिंदगी आज आपको मिलेगी। आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम इन पार्टनर, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ लंबे समय तक होगा, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 6 महीने, 1 साल, ठीक है। वो प्यार था कल, आज नहीं है वो आपका प्यार। किसी भी वजह से आप लोगों की फ़ाइट हो गई हो, आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या लोगों की वजह से एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हुआ हो, तो उसका मतलब यही नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। फाइट सबके बीच होती है, दो अगर इंसान साथ में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें होती है। इसका मतलब ये नहीं होता वो आपको छोड़ के चल जाएगा। छोटी सी बात के लिए अगर उसने आपको छोड़ दिया तो वो आपके लायक नहीं था। ज़बरदस्त पॉइंट यही है, वाई टू वेट दिस पार्टनर पिक्चर क्लियर गॉड। भगवान ने आपके सामने पूरी पिक्चर बना के दे दी, आपको वीडियो बना के दे दी। प्यार नहीं है, प्यार होता तो रह नहीं पाता, 2-3 घंटे तड़प होती है एक प्यार से बात करने की, जानने की इच्छा होती है कहाँ हो कहाँ नहीं हो, मैसेज वगैरह मिलना सब चीज़ें होती है। ना वो आपको कॉल कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना पूछ रहा है। एग्जांपल कितना शॉर्ट एंड क्लियर है, 15 दिन या महीने, कौन सा प्यार होता है जो बिना बात करे रह जाए? आप उसका वेट कर रहे हो, 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ना कॉल कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना आपको मिल पा रहा है, ना मिल पा रही है, फिर भी उसकी उम्मीद लेके बैठे हुए। हाँ मेरा पार्टनर रोए जा रहे, उसके लिए रो रहे जिसको आपके कुछ नहीं पड़ी, बीच रास्ते में आपको छोड़ गया। पूरी भगवान ने पिक्चर बना के आपके सामने रख दी कि ये तेरे को छोड़ के चल गया, ये तेरे लायक नहीं था या थी। फिर प्रॉब्लम कहाँ रही है? किसके लिए रो रहे हो? जो आपका है ही नहीं उसके लिए रो रहे हो? बस आप उसका वेट करके रोते जा रहे हो, बस मिल जाए, एक बार बात हो जाए, कॉल कर दे, उसको प्यार से संभाल के रखूँगा या रखूँगी, अच्छा हुआ चला गया या चली गई, नहीं तो लाइफ ख़राब कर देता आपकी या कर देती। आज छोड़ा है, कल भी छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, आपसे शादी वगैरह कर लेता या कर लेती, फिर छोड़ के चल जाता, क्या करते आप बीच रास्ते में? ना आप घर के रहते ना इधर के रहते, एक समाज में धब्बा लग जाता है कि ये शादीशुदा है, इसको छोड़ के चला गया या चली गई, पूरी ज़िंदगी ख़राब होती। आपके साथ तो अच्छा हुआ, कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ, तो पहले ही छोड़ के चल गया, जो आपकी लाइफ ही नहीं ख़राब हुई, आपको लाइफ का सबक मिल गया कि अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जल्दी से। अनलिमिटेड प्यार करोगे तो तकलीफ़ होगी, एक गिलास पानी पियोगे तो ठीक है, 5 गिलास पानी पियोगे तो पेट दर्द होगा, तो अनलिमिटेड प्यार करोगे तो तकलीफ़ तो होगी ना, हजम नहीं होता हर किसी को हद से ज़्यादा प्यार। सही रहा चला गया चली गई, लाइफ सुधर गई आपकी, वक्त रहते आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी तो उल्टी लाइफ बनी है, आपको तो खुश होना चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो आपके साथ कर रहा है व्यवहार उसके साथ ही वैसा ही करो। जो आज आपको आज छोड़ सकता है कल भी छोड़ सकता है, इतना प्यार करने के बाद तो वो आपके प्यार के लायक ही नहीं है, वो आपके क्या किसी के प्यार के लायक नहीं है। इतनी कदर देने के बाद भी कोई इंसान चल जाए तो उससे आप क्या उम्मीद रख रहे हो? आप उसको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो, वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, फिर वो तो आपकी बदतर से बदतर लाइफ कर देगा। सही रहा टाइम रहते वो आपकी लाइफ से निकल गया है, निकल गई। गॉड की डेस्टिनी बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए आपको बचा लिया, आप किस्मत वाले हो। उनके लिए क्या रोना जो अपना था ही नहीं, रोया तो उनके लिए जाता है जो अपने होते हैं, जो वो भी अपने लिए रोए, तब मजा है जीने में। उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, उसको कुछ नहीं पड़ी कि मरो या जियो, ऐसे इंसान के लिए क्या रोना। बस लास्ट में 2 लाइनें इतनी कहूँगा, डोंट फॉरगेट इन योर पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को ख़राब मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो, दुनिया बहुत अच्छी है और इसके लोग भी बहुत अच्छे हैं।
कुछ लोगों के कारण पूरी दुनिया खराब नहीं है ना पूरे लोग खराब है। अपनी इच्छा मत मारो, बाहर निकलोगे घूमने फिरने लायक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत देखने लायक चीज़ें, सक्सेस अचीव करना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, प्यार से लाइफ नहीं चलती। एक टाइम तक प्यार अच्छा लगता है, सक्सेस भी ज़रूरी है। लोग वगैरह भी तो जानने चाहिए आपको कि आए थे इस दुनिया में कुछ ऐसा काम कर गए कि दुनिया याद रखे मरते दम तक। वो चीज़ें आपके माइंड में थिंकिंग आनी चाहिए, मैच्योरिटी आपके माइंड में। स्मॉल माइंड कर लिया आपने माइंड, बस प्यार प्यार वही दिख रहा, कॉल मैसेज बस, डिप्रेशन ये नहीं होती सब चीज़ें। लाइफ में आगे बढ़ना भी कुछ मकसद होता है। इस चीज़ में धोखा मिला, सक्सेस में कभी धोखा नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। डेफिनेटली जितना हो सके मेरा मकसद यही है सबकी हेल्प करना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि इस चीज़ से बहुत लोग परेशान हैं। मैं नहीं चाहता कि अब लोग परेशान रहे मेरी वीडियो देख के। डेफिनेटली सब माइंड की थिंकिंग चेंज करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करें, तो जितना हो सके दबा के शेयर करना वीडियो को और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम। डेफिनेटली जितना हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, 2 से 3 वीडियो डेली डालता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और यूज़फुल हो।